नेशनल गेम्स मैच द कॉलम ए, कॉलम ए में स्टूडेंट्स नेशंस लिखे हुए हैं एंड कॉलम बी जहाँ पे नेशनल गेम्स लिखी हुई है. राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्सेस गिवन इन द कॉलम ए. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कॉलम बी में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड कॉलम ए के यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे इसके करेक्ट आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, ऑप्शन सॉरी जो कॉलम ए है वहाँ पे नेशंस हैं एंड कॉलम बी में नेशनल गेम्स लिखी हुई हैं. ठीक है, क्लियर. क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट की में आंसर लिखा है 4, इंडिया. इंडिया की नेशनल गेम में हॉकी, मीन्स इंडिया के यहाँ पे आंसर में नंबर 4 लिखा हुआ है. ठीक है, 4 नंबर पे हॉकी है, मीन्स इंडिया की नेशनल गेम है हॉकी. ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखा है अर्गेनिया है उसकी जो नेशनल गेम है वो है फुटबॉल. नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम नंबर 6 क्रिकेट. ठीक है, नंबर 4th पे ब्राज़ील की नेशनल गेम फुटबॉल. कैनेडा की नेशनल गेम यहाँ पे नंबर 11 लिखा है. आई बता दूँ अगर हम इंडिया एंड के बात कर रहे हैं तो इंडिया की जो नेशनल गेम है वो हॉकी है. ठीक है, बट जो कैनेडा की नेशनल गेम है वो आइस हॉकी है. ये डिफरेंस है, थोड़ा आप याद रख लीजिएगा. नंबर 6 पे है चाइना की नेशनल गेम है टेबल टेनिस. जापान की जो नेशनल गेम है उसका नाम है जू जिट्सू. अब ये कौन सी गेम है, चलिए मैं आपको इस गेम के बारे में बताऊं. देखिए आपको इस पिक्चर में ये जो गेम दिख रही है ये जू जिट्सू गेम की. ठीक है जू जिट्सू इस गेम में सेल्फ प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिखाई जाती है, खेलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, आपको ये समझ में आया. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक था मलेशिया की जो नेशनल गेम है वो नंबर 3 बैडमिंटन. नेक्स्ट नंबर 9 पे रशिया, जो रशिया के नेशनल गेम है वो है चेस. स्कॉटलैंड की नेशनल गेम है रग्बी. अभी रग्बी कौन सी गेम है, चलिए हम उसके बारे में भी देख लेते हैं. रग्बी ये जो आपको दिख रही है ये गेम है वो रग्बी है. ठीक है, वन काइंड ऑफ फुटबॉल की तरह ये खेली जाती है जिसमें 13 प्लेयर्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, चलिए हम देखिए कंटिन्यू हमारा चैप्टर. 11 नंबर पे लिखा हुआ है स्पेन की गेम है वो है बुल फाइटिंग है वो स्पेन की नेशनल गेम है. ठीक है, एंड यूके का मैंने फुल फॉर्म आपको पहले भी बताया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी नेशनल गेम है क्रिकेट. अभी आप कहेंगे क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है, बट यूके की नेशनल गेम भी क्रिकेट ही है. नेक्स्ट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी नेशनल गेम है बेसबॉल. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया. ठीक है, तो चलिए हम हमारा यही गेम्स वाला जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करें. प्लेग्राउंड एंड एरेनास, अभी कौन से कहाँ पे प्लेग्राउंड होता है उसके बारे में हम देखेंगे. ईच गेम इज प्लेड ऑन इट्स स्पेसिफिक ग्राउंड एंड ईच ग्राउंड हैज इट्स स्पेसिफिक नेम. हियर नेम ऑफ सम नोन गेम्स एंड गिवन अलोंग विद हिज पिक्चर्स ऑफ ग्राउंड. राइट द करेक्ट नेम ऑफ द ग्राउंड इन द ब्लैंक. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कुछ जो गेम है उसकी पिक्चर दी हुई है और उस गेम का नाम लिखा हुआ है, बट वो कहाँ पे खेली जाती है उस ग्राउंड का नाम हमें बताना है. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेसबॉल, जो बेसबॉल है वो यूएसए की नेशनल गेम है. ठीक है, तो जो बेसबॉल का जो प्लेग्राउंड है उसको हम कहते हैं पिच. क्लियर, नंबर 2 पे वॉलीबॉल है, जो वॉलीबॉल का ग्राउंड है उसको हम कहते हैं कोर्ट. क्लियर, एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पे जो गेम दी हुई है वो है हॉकी. जो हॉकी है वो कहाँ की, इंडिया की नेशनल गेम है. तो हॉकी के लिए फील्ड होता है एंड क्रिकेट के लिए ग्राउंड होता है. ठीक है, आप बता सकते हैं क्रिकेट है वो कौन से नेशन की नेशनल गेम है,
क्रिकेट के लिए दो नेशन हमने बताए थे, एक था यूके एंड दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन दोनों की नेशनल गेम है क्रिकेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के लिए कोर्ट होता है, उसके प्लेग्राउंड को कोर्ट कहते हैं। एंड बैडमिंटन, बैडमिंटन के प्लेग्राउंड को भी हम कोर्ट ही कहते हैं। अभी बता सकते हैं हम बैडमिंटन है वो कौन सी कंट्री की नेशनल गेम है? बैडमिंटन है वो मलेशिया की नेशनल गेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए पूल चाहिए, ठीक है। स्विमिंग पूल, तो उसका जो ग्राउंड है उसको हम पूल कहते हैं। स्केटिंग, स्केटिंग के लिए हमें रिंक चाहिए, उसके प्लेग्राउंड को हम कहेंगे रिंक। बॉक्सिंग के लिए भी रिंग चाहिए, ठीक है। अभी आप स्केटिंग और बॉक्सिंग में थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये है रिंक और यहाँ पे है रिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज बिलार्ड, जो बिलार्ड है उसके लिए स्पेसिफिक टेबल होता है, स्पेशल टेबल होता है उसका, तो उसको हम कहते हैं बिलार्ड टेबल, ठीक है। बिलार्ड्स गेम के लिए बिलार्ड टेबल। नेक्स्ट इज चेस, चेस के लिए चेस का बोर्ड चाहिए। चलिए बताएं चेस है वो कौन सी कंट्री की नेशनल गेम है? चेस जो है वो रशिया की नेशनल गेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्फ, तो गोल्फ के लिए भी कोर्स चाहिए, उसका जो ग्राउंड है उसको हम कोर्स कहेंगे। रेस्लिंग के लिए मैट चाहिए, ठीक है, उसका जो ग्राउंड है वो मैट कहेंगे हम उसके। एंड टेबल टेनिस के लिए रियली मतलब सोचने वाली बात है नहीं, टेबल टेनिस मीन्स हम वो टेबल पे ही खेलते होंगे, तो उसके लिए हमें टेबल चाहिए जहाँ पर हम टेनिस खेल पाए। टेबल टेनिस क्या, जो प्ले ग्राउंड मीन्स जो ग्राउंड है उसको हम कहेंगे टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स?